अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी गवर्नमेंट, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी गवर्नमेंट, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी गवर्नमेंट, लेना होगा, लेना होगा। एनआरसी बिल को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बीजेपी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी, बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की जानिब से परसों लोकसभा में जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया गया, आज राज्यसभा में उसकी चर्चा है। बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, हर धर्म का लोग हिंदुस्तान को जो है आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ कोई नहीं आ सकता तो सिर्फ मुसलमान और इस्लाम के लोगों को, मानने वालों को इजाज़त नहीं है। ऐसी दोहरी पॉलिसी बीजेपी की, जब से हुकूमत आई है सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ पूरी पॉलिसी तैयार की जा रही है। हर बिल जो पार्लियामेंट में आ रही है वो मुसलमानों के खिलाफ लाई जा रही है। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों ने जंगी आज़ादी में जो है अपनी जानों का नजराना दिया। सबसे ज़्यादा अगर कुर्बानी किसी ने दी तो मुसलमानों ने दी। हिंदुस्तान को अगर तहजीब दिया, कल्चर दिया तो मुसलमानों ने दिया। आज अगर सेकुलरिज्म बाकी है तो मुसलमानों की वजह से बाकी है। आज जो है जमहूरियत बाकी है तो मुसलमानों की वजह से बाकी है। लेकिन बीजेपी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये लोग तानाशाही कर रहे हैं, ये हिटलर की तरह का डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। ये चीज़ आप समझ रहे हैं कि ऐसा करके हम मुसलमानों को दबाएंगे, हम मुसलमानों को परेशान करेंगे, लेकिन याद रखो तुम्हारे हर बार तुम्हारी